राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक मन्नू चोपड़ा नाम के व्यक्ति ने फर्जी तरीके से एक जमीन बेच दी। मन्नू ने जमीन बेचने का विज्ञापन एक अखबार में दिया था। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक मन्नू चोपड़ा नाम के व्यक्ति ने फर्जी तरीके से एक जमीन बेच दी। मन्नू ने जमीन बेचने का विज्ञापन एक अखबार में दिया था, जिसमें प्लाट की कीमत लाखों रुपए दर्शाई थी। पुलिस के मुताबिक मन्नू चोपड़ा नाम के व्यक्ति ने कुलभूषण चोपड़ा नाम के व्यक्ति की जमीन, जो कि 10,000 स्क्वायर फीट अशोका गार्डन की एक कॉलोनी में है, उसको विज्ञापन देकर लाखों रुपए की बेच दी। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी मन्नू चोपड़ा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। थाना प्रभारी का कहना है कि मामले में फरियादी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। थाना अशोका गार्डन में कुलभूषण आवेदक जो है, उन्होंने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि उनके प्लॉट को किसी मन्नू चोपड़ा नाम के व्यक्ति द्वारा दैनिक समाचार पत्र में ये विज्ञापन देकर कि प्लॉट बेचना है, उनके अविवाहित चाचा को अपना पिताजी बताकर बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर जांच की गई। जांच में ये तथ्य सामने आया कि मन्नू चोपड़ा जो अनावेदक है वो कुलभूषण चोपड़ा के चाचा जी जो अविवाहित हैं उनके नाम का, उनको अपने पिताजी बताकर प्लॉट बेचने का प्रयास कर रहा है। इस पर 420-511 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आगे विवेचना में जो भी तथ्य आएगा कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी हुई अभी नहीं हुई है।